सब्सक्राइब कीजिए डेली ट्रेंडिंग न्यूज चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले पाने के लिए। आईसीसी वर्ल्ड कप 2019 को शुरू होने में अब एक साल से भी कम समय बचा है। इस टूर्नामेंट का आयोजन अगले गर्मियों में इंग्लैंड और वेल्स में होने वाला है। 10 टीमें भारत, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, श्रीलंका, पाकिस्तान, दक्षिण अफ्रीका, बांग्लादेश, वेस्ट इंडीज और अफगानिस्तान ने टूर्नामेंट के लिए क्वालिफाई कर लिया है और भारत इसे जीतने के लिए पसंदीदा टीमों में से एक है। भारत की वर्तमान वनडे इंटरनेशनल टीम इस समय अच्छे फॉर्म में नजर आ रही है। केएल राहुल, जसप्रीत बुमराह, युजवेंद्र चहल, हार्दिक पांड्या और कुलदीप यादव जैसे खिलाड़ी अगले साल जून में अपने वर्ल्ड कप की शुरुआत के लिए लगभग निश्चित नाम है। वहीं दूसरी ओर कुछ भारतीय खिलाड़ी ऐसे भी हैं जिनके लिए ये आखिरी वर्ल्ड कप हो सकता है। आइए उन तीन भारतीय खिलाड़ियों पर एक नजर डालते हैं जो 2019 में अपना आखिरी वर्ल्ड कप खेल सकते हैं। इनमें सबसे पहला नंबर आता है भारत के पूर्व कप्तान एमएस धोनी का। पूर्व भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी अपना चौथा एक दिवसीय वर्ल्ड कप खेलेंगे। वो खेल के इतिहास में सबसे सफल एक दिवसीय कप्तानों में से एक रहे हैं और 2011 में भारतीय टीम का नेतृत्व करके टीम को वर्ल्ड कप विजेता बनाया। हालांकि वो टेस्ट से संन्यास ले चुके हैं और खेल के सभी प्रारूपों से कप्तानी भी छोड़ चुके हैं। वो फिलहाल अच्छी बल्लेबाजी फॉर्म में भी हैं और बहुत रन भी बना रहे हैं। हालांकि ये इस महान भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी के लिए अंतिम वर्ल्ड कप हो सकता है। 2023 का वर्ल्ड कप पूर्व भारतीय कप्तान के लिए खेलना लगभग असंभव है क्योंकि वो इस साल 7 जुलाई को 37 साल के हो जाएंगे। नंबर दो पर बात करते हैं टीम इंडिया के गब्बर शिखर धवन की। दिल्ली का ये बल्लेबाज लगातार दूसरा वर्ल्ड कप खेलेगा। धवन ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में आयोजित 2015 वर्ल्ड कप में भारत के लिए असाधारण रहे थे और टूर्नामेंट में 5वें सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी थे। 51.50 की औसत से 412 रन के साथ वो 2015 वर्ल्ड कप में भारत के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज थे। दिसंबर में धवन 33 वर्ष के हो जाएंगे और 2019 वर्ल्ड कप में उनसे भारत के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की उम्मीद है। वहीं 2023 वर्ल्ड कप में शिखर धवन के खेलने की संभावनाएं बहुत कम दिखती है। नंबर तीन पर बात करते हैं रोहित शर्मा की। वो एक और ऐसे क्रिकेटर है जो फिलहाल अपनी उम्र में 30 के आंकड़े में है। रोहित शर्मा सीमित ओवर्स के प्रारूप में भारत के लिए सबसे सफल खिलाड़ियों में से एक है। एक दिवसीय क्रिकेट में 3 दोहरे शतक लगाने वाला मुंबई का ये बल्लेबाज दुनिया का एकमात्र खिलाड़ी है। यह उनका दूसरा वर्ल्ड कप होगा और अगर चोट को छोड़ दें तो वो दूसरे खिलाड़ी होंगे जो वर्ल्ड कप में भारतीय पारी की शुरुआत करने के लिए निश्चित है। 2019 वर्ल्ड कप के लिए रोहित शर्मा का अनुभव और विशेषज्ञता महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। हालांकि ये आखिरी बार हो सकता है कि जब एक दिवसीय वर्ल्ड कप में रोहित शर्मा को देख सकेंगे। अगर आपको हमारी स्टोरी पसंद आई तो इसे लाइक करें और अपने व्यूज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। डेली ट्रेंडिंग न्यूज की रिपोर्ट। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसी ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।